इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नागपूरचा लोकार्पण सोहळा 24 फेब्रुवारी रोजी औपचारिकपणे आपल्या स्थायी परिसर लोकांसाठी समर्पित करणार आहे अशी माहिती पत्र परिषदेत देण्यात आली. आने वाले 24 फरवरी को ट्रिपलआईटी नागपूर का जो स्थायी परिसर हमने डेवलप किया है उसका लोकार्पण समारोह आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री इनके हाथों से 11 बजे होने वाला है. आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन इस समारोह के लिए मुख्य अतिथि रहेंगे और श्री कृपाल जी तुमाने जो यहाँ के सांसद है वो भी इस समारोह में सहभाग लेने वाले हैं. सर, ट्रिपलआईटी नागपुर एक राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्था है और राष्ट्रीय महत्व की शैक्षणिक संस्था है. इसकी शुरुआत 2016 में PPP मोड में हुई. ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है. इसकी शुरुआत हमने 2016 में टेम्पररी कैंपस से की जो कि हम BSNL का जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे था. ये 100 एकड़ जगह जो वारंगा विलेज में है महाराष्ट्र शासन ने हमको दी. उसके बाद हमने 2018 में इस कैंपस पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू की और 2021 में हमारी जो पहली बिल्डिंग कंप्लीट हुई और हमने यहाँ से ऑपरेशन चालू किया. धीरे धीरे बाकी जो हॉस्टल है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है रेजिडेंशियल टावर है इनका कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हुआ और अब सारी बिल्डिंग्स फुल्ली फंक्शनल है. इसके साथ साथ बाकी जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है वो भी किया गया. अभी हमारे पास एक एम्फीथिएटर है, रोड्स बन गए, एक सब स्टेशन है, STP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो सारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है.